हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम समझने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि आखिर में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। इसको समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 7 फरवरी यानी कि बीते रोज़ उत्तराखंड स्टेट असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास कर दिया जाता है। तो हम ऑलमोस्ट ये मान के चले कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड देर सवेर इम्प्लीमेंट वहाँ पर हो ही जाएगा। कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इसके पक्ष में होंगे। लेकिन ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आप किसी भी चीज़ को सपोर्ट या अपोज करें तो एटलीस्ट उसके बारे में एक बेयर मिनिमम जो जानकारी है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि जब अपने आप ओपिनियन को एक्सप्रेस करेंगे किसी के सामने तो आपके जो ओपिनियन रहे वो बायस ना रहे, वो फैक्ट एंड फिगर पे बेस्ड रहे। तो इसी को हम समझेंगे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो 3 शब्द है इसका मतलब क्या है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ से चलता हुआ आया है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इसका मतलब है कि भारत में जितने भी रिलीजन के लोग रहते हैं सभी रिलीजन का जो इम्पोर्टेंस है वो सरकार के नज़र में बराबर है। सरकार कभी ये नहीं कह सकती है कि ये रिलीजन उस रिलीजन से बेहतर है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ये हक देता है, ये गारंटी देता है कि हम जिस भी रिलीजन को फॉलो करें हमारे उस रिलीजन में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन कितनी बार क्या होता है ना कि जब आप देश को चलाते हैं तो उस देश को चलाने के लिए आपको कुछ नियम बनाने होते हैं, कुछ कानून बनाने होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से समझिए कि कहीं पर भी अगर डेवलपमेंट होता है या कंस्ट्रक्शन होता है तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होता है। अब ऐसा प्रैक्टिकली किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, कि ऐसा नियम बना दे जिससे कि सब कोई खुश रहे। कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस नियम के खिलाफ रहेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस नियम के पक्ष में रहेंगे। जब आप एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में रहते हैं तो जो आपसे अग्री करता है आपको उससे भी अग्री करना है, और जो आपसे अग्री नहीं करता है आपको उससे भी अग्री करना है। कहने का मतलब है कि जितना विचार मेरे इम्पॉर्टेंट हैं उतना ही विचार इम्पॉर्टेंट सामने वाला का भी है। अब भारत में तकरीबन दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं सभी रिलीजन के लोग भारत में रहते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होंगे। तो क्योंकि आप किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो उस रिलीजन का भी कुछ एक अपना नियम कानून होगा, शादी का नियम कानून होगा, डिवोर्स का नियम कानून होगा, या शादी किस एज में परमिटेबल है उसका एक अपना नियम कानून होगा। उसके बाद एक नियम कानून, आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में नियम कानून है। कितनी बार होता है कि आप जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे कुछ नियम है, आपको वो नियम पसंद नहीं आता है। कितनी बार ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके साथ जो हुआ है वो न्याय नहीं हुआ है, तो आप कोर्ट पहुँचते हैं। तो कोर्ट में जो जजेस होते हैं वो प्रूफ देखते हैं, आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, और वो जो नियम बनाया गया, जो कानून बनाया गया, उस कानून को वो फॉलो करते हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो रिलीजियस लॉ है और जो स्टेट का लॉ है, मतलब जो देश का लॉ है और जो रिलीजियस लॉ है, दोनों में हर वक्त कॉन्ट्राडिक्शन होता ही रहेगा। दोनों हर वक्त, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों साथ साथ एक, मतलब दोनों साथ साथ चलें। कुछ इसमें ऐसे नियम होंगे कि जो शायद समय के साथ वो आउटडेट हो चुका है, और ये तकरीबन सभी रिलीजन में होगा। मैं किसी एक रिलीजन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि मैं किसी के पक्ष में हूँ और किसी के विपक्ष में हूँ। ऑलमोस्ट हर रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसे नियम कानून थे। अब वो शुरू से थे या नहीं थे वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं थे जो कि लॉजिक, साइंस या जो समय के साथ जो नहीं चल पाया उसे शायद ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, सिविल का मतलब होता है किसी भी देश या जनता से रिलेटेड। तो एक ऐसा नियम बनाया जाए जो सभी के लिए बराबर रहे, जो सभी पे इम्प्लीमेंट हो, ताकि सरकार के लिए, कानून के लिए, जो एजेंसीज हैं उनके लिए काम करना आसान हो। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक नियम है, सपोज दैट 10 इसमें ऐसे नियम होंगे तो वो जो 10 नियम है वो सभी पे इम्प्लीमेंट होंगे, चाहे आप किसी भी कास्ट के हों, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हों। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ पे आता है? कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे आता है क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और आर्टिकल 25 आपको ये गारंटी देता है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो फिर ये होता है कि जब जब संविधान आपको ये गारंटी दे रहा है कि आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, तो उसमें जो नियम है फिर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो कहीं ना कहीं इस टाइप का जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो कॉन्ट्रडिक्शन हर वक्त मार्केट में रहेगा, इसलिए भी कुछ लोग इसको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग इसको अपोज करेंगे। अभी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, जब हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जब हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि हम अपने देश का जो संविधान है वो खुद से लिखें और खुद के हिसाब से लिखें, तो उस वक्त से भी कहीं ना कहीं ये जो आर्गुमेंट था कि कुछ ना कुछ ऐसा एक नियम बनाया जाए जो नियम सब पे इम्प्लीमेंट हो, तो ये उस वक्त से हमारे संविधान का हिस्सा है, जब से हमारा संविधान लिखा जा रहा था तब से। लेकिन उस वक्त भी कुछ सेक्शन ऑफ लोग ऐसे थे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट थे और कुछ लोग ऐसे थे जो इसके पक्ष में थे। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता होगा, जब ये हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो अगर किसी भी आर्टिकल के या किसी भी आर्टिकल के किसी भी पॉइंट्स पे अगर किसी को कोई संदेह था या कोई आर्गुमेंट हो रहा था, तो उस आर्गुमेंट को डिफेंड करने के लिए हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। कहने का मतलब है कि संविधान जो बन रहा था उस वक्त अगर किसी को भी कोई आर्टिकल में या किसी भी पॉइंट या किसी भी फ्रेज को लेकर अगर कोई सवाल था, तो उस सवाल का जो मेन जवाब था वो अपने बी आर अम्बेडकर जी ही दे रहे थे। कहने का मतलब है कि वो मेन आर्बिट्रेटर थे। मोहम्मद इस्माइल खान आज़ादी के वक्त जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तब वो असेंबली के मेंबर थे, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वो मेंबर थे। तो उनका कुछ आर्गुमेंट ऐसा था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं थे, वो उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते थे। उनका मानना था कि इंडिया क्योंकि एक सेकुलर कंट्री है तो यहाँ पे सभी रिलीजन का जो इम्पोर्टेंस है वो बराबर है, तो उस रिलीजन में जो नियम कानून दिए गए हैं उस नियम कानून को सरकार किसी भी तरीके से बाधित नहीं कर सकता है। इसको लेके अपने जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो कुछ ऐसे कहे थे, मतलब वो कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिफेंड किए थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी धर्म या किसी भी जाति के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, ये कॉमन सिविलियंस को चुन रहा है, यानी कि ये ह्यूमैनिटी को चुन रहा है, और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो सभी को आते हैं, इसका किसी भी धर्म या जाति से मतलब नहीं है, तो इसका जो बेनिफिट है वो सभी को मिलने वाला है। अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद इस्माइल खान इसके अगेंस्ट थे, तो इनको आप नेगेटिव तरीके से मत लीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ कहीं पे हो रहा है तो उसके ऊपर सवाल पूछना हक बनता है, और अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं या अपने आप विचार को अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो शायद आप गलत करते हैं। अब जैसे कि कुछ साल पहले तक ही जो लड़कियां थी उनको अपने फादर के प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा नहीं मिलता था, या कुछ ऐसे भी थे कि जहाँ पे जो तलाक का सिस्टम था वो तलाक का सिस्टम सही नहीं था, या तो जो शादी का जो एज होना चाहिए, जो प्रॉपर एज होना चाहिए, जिसको कि डॉक्टर भी कहते हैं कि ये एक अप्रोप्रिएट एज है शादी का, कितनी बार ऐसा देखा गया कि चाइल्ड मैरिज भी हो रहा था और वो तकरीबन सभी रिलीजन में हो रहे थे, तो इसलिए किसी एक रिलीजन का नाम लेके बोलना गलत है। तो समय के साथ अगर किसी भी देश को अगर डेवलप करना है तो कहीं ना कहीं उसे कुछ ना कुछ पॉइंट से कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, और ख़ास करके अगर आपके पास एक सॉलिड रीज़न है, अगर आपके पास एक सॉलिड प्रूफ है, जो प्रूफ आपके रिलीजन में जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है अगर वो उससे ज़्यादा अच्छा है, तो भला इसी में है कि हम समय के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को माने। ऑफ कोर्स हम रिलीजन को भी मानेंगे, लेकिन हमें कंपेयर करना है कि गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे बेस्ट क्या चीज़ है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एज एन जब आप इसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये मतलब देश को चलाने के लिए ये एक परफेक्ट नियम कानून बनाए गए हैं। हालांकि उसमें चेंजेस या उसमें अमेंडमेंट होते हैं, होने चाहिए, कुछ पॉइंट्स आपको पसंद आएंगे, कुछ पॉइंट्स किसी और को पसंद आएंगे, कुछ उसमें ऐसे नियम इम्प्लीमेंट किए जाएंगे जिसको कि शायद आपको पसंद ना आए। तो सारे कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद भी अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो इंटेंशन है अगर आप उसको देखेंगे तो देश को चलाने के लिए वो इंटेंशन ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मुझसे फिर भी कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। मैं चाहूँगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।